Today we bring to you the service video for AquaShore AquaGuard Delight Water Purifier. Audience Namaskar, आज हम आपको प्रस्तुत करते हैं AquaShore AquaGuard Delight Water Purifier को कैसे सर्विस करना है, कैसे इसके अंदर फिल्टर चेंज करने हैं, इसकी वीडियो की प्रस्तुति आपको देते हैं। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि कैसे इस प्योरीफायर को आपको खोलना है, कैसे इस प्योरीफायर के फिल्टर्स लगे हुए हैं, कैसे किस सर्किट डायग्राम में वो लगे हुए हैं, और उस के अंदर कैसे एक्वाडाइन के जो फिल्टर्स है, कंपैटिबल फिल्टर्स है, उनको कैसे फिट करना है। ठीक है जी, टुडे वी विल लर्न ऑन हाउ टू ओपन दिस प्योरीफायर, हाउ द फिल्टर्स आर फिटेड इन दिस प्योरीफायर, इन व्हाट सर्किट मैनर, इन what is the circuit diagram of this purifier and how to replace the aquadyne cartridges in this purifier. First of all, let us address the question why should we service the purifier ourselves. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्यों हमें सर्विस करनी चाहिए खुद के प्योरीफायर की। अगर आप खुद के प्योरीफायर की खुद सर्विस करते हैं तो मात्र 2 से 2500 रुपए के अंदर ही आप अपने अच्छी क्वालिटी के फिल्टर खुद ही फिट कर सकते हैं, और साथ के साथ आप प्योरीफायर आपका कैसे काम करता है, क्या टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। अगर आप सर्विस टेक्नीशियन को बुलाते हैं, सर्विस टेक्नीशियंस के थ्रू करवाते हैं, तो उनके अंदर आपको काफ़ी हैवी चार्ज लगेगा, 4 से 5 हज़ार रुपये का आपका खर्चा हर बार लगता रहेगा। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसको पूरा देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा प्योरीफायर है AquaShore AquaGuard Delight, इसके लिए हमें पहले तो सबसे पहले कंपैटिबल फिल्टर सेट चाहिए। वो फिल्टर सेट आपको कैसे मिलेगा, आपको सबसे पहले जाना है filterkart.com, filterkart.com पे। उस वेबसाइट पे जाके वहाँ वेबसाइट के सर्च बॉक्स में आपने डालना है Delight, Delight. जब आप डिलाइट टाइप करेंगे तो डिलाइट के लिए, AquaShore डिलाइट के लिए जो भी फिल्टर सेट होंगे कंपैटिबल वो आ जाएंगे। इसके अंदर 3-4 सब मॉडल्स बनते हैं, आर ओ प्लस यू वी, आर ओ यू वी, यू एफ प्लस, टी डी एस एट्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू डैट आप परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू परचेज द रेलिवेंट कंपैटिबल फिल्टर सेट फॉर दिस प्योरीफायर। That filter set is available on filterkart.com, filterkart.com. When you go to the website, in the website search box you will type the name Delight. You will find and search it. You will find all the relevant suitable compatible part for this Delight model. According you can purchase. So this video would be helpful for your Delight RO plus UV model as well as RO UV UF model. Okay. Prior to starting the service of the purifier की service start करने से पहले बिजली का connection, electrical supply इसकी बंद कर लीजिए, पानी की supply इसकी बंद कर लीजिए, और इसको wall से उतार लीजिए, दीवार से इसको उतार लीजिए। Prior to starting the service of your purifier, kindly switch off the electrical supply of the purifier. Kindly switch off the water supply of the purifier. Thereafter, unmount the purifier from the wall onto the shelf. Okay. For servicing the purifier, for changing the filter, you would need one or two screwdrivers for opening the nuts. Okay. In this purifier, there is this back panel. इस प्योरीफायर में पीछे का पैनल है, इसको हमें निकालना है। देर आर 4 स्क्रूज, 1, 2, 3, 4, 4 स्क्रूज है जिनको कि खोलना है। वी हैव टू ओपन दिस स्क्रू, देर आफ्टर वी विल बी चेंजिंग द कार्ट्रिज। फॉर ओपनिंग द स्क्रूज यू नीड टू रोटेट द स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज। स्क्रू को खोलने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है।
वी हैव ओपन्ड ऑल द फोर स्क्रूज, हमने चारों स्क्रूज को खोल लिया है. आई विल केयरफुली टेक आउट दिस पैनल एंड पुट इट बैक साइड, मैं ध्यान से इस पैनल को निकाल के पीछे की तरफ यहां रख दूंगा. ठीक है, इस प्योरीफायर में आपको चार फिल्टर मिलेंगे, पांच फिल्टर मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5. यू विल इन दिस प्योरीफायर यू विल सी 5 फिल्टर्स, 1, 2, 3, 4, 5. इन द फिल्टर सेट विच यू विल परचेज फ्रॉम फिल्टर कार्ट ऑल द कंपैटिबल 4, 5 फिल्टर्स वुड बी प्रेजेंट, 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ वुड बी लैम्प, यूवी लैम्प. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द सर्किट डायग्राम ऑन हाउ द वाटर फ्लोज इन टू द प्योरीफायर. फर्स्ट ऑफ ऑल द वाटर एंटर्स द प्योरीफायर फ्रॉम हेयर इट गोज टू सेडिमेंट फिल्टर. इन सेडिमेंट फिल्टर ऑल द डर्ट इम्प्योरिटीज, सैंड, सिल्ट, रस्ट, एल्गी इम्प्योरिटीज इज रिमूव्ड. सबसे पहले जब पानी यहाँ से आता है तो ये सेडिमेंट फिल्टर में जाता है. सेडिमेंट फिल्टर में मिट्टी का कोई भी तत्व है, मिट्टी, सैंड, सिल्ट, रस्ट, एल्गी, जंग इत्यादि वगैरह, वो सारा रिमूव हो जाता है. आफ्टर सेडिमेंट फिल्टर द पाइप गोज टू सोलेनॉइड वाल्व. सेडिमेंट से निकल के पानी सोलेनॉइड वाल्व में जाता है. इन सोलेनॉइड वाल्व इट कंट्रोल्स द वाटर सप्लाई कि कब पानी को हमें बंद करना है, कब पानी को ऑन करना है. आफ्टर सोलेनॉइड वाल्व द वाटर गोज इनटू द बूस्टर पंप. दिस इज द मोटर और बूस्टर पंप. The function of this pump is to increase the pressure to 100 to 120 psi for the membrane and other filters to function. Solenoid valve के बाद पानी आपका मोटर में चला जाता है. ये जो मोटर है ये पानी के प्रेशर को बढ़ाने वाली मोटर है. ये पीछे से जो पानी आ रहा है उसके प्रेशर को 10 से 15 गुना बढ़ा देती है, करीबन 100 टू 120 psi के प्रेशर पे उसको रीच कर देती है. और उसके बाद हाई प्रेशर पे जब वो पानी को फेंकती है फिल्टर के अंदर तो वो फिल्टर फिल्ट्रेशन करता है. फ्रॉम द मोटर आउटलेट ऑफ द मोटर वाटर गोज इनटू कार्बन फिल्टर. इट इज आल्सो नोन एज कैमी ब्लॉक. मोटर से पानी आपका कार्बन फिल्टर में चला जाता है, इसको कैमी ब्लॉक भी कहते हैं एक्वागार्ड के मॉडल्स में. कार्बन इन कार्बन फिल्टर ऑल द क्लोरीन क्लोरामाइन पार्टिकल्स आर रिमूव्ड. कार्बन फिल्टर के अंदर कोई भी आपका केमिकल कंटामिनेशन है, क्लोरीन क्लोरामाइन वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ पर इसमें रिमूव हो जाता है. आफ्टर कार्बन फिल्टर और कैमी ब्लॉक वाटर गोज इनटू आरओ मेम्ब्रेन में जाता है. इन आरओ मेम्ब्रेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, एनी सॉल्ट कंटेंट, एनी एलिमेंट लाइक आर्सेनिक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वॉट एवर दैट मे बी अकरिंग इन द पीरियोडिक टेबल, ऑल द एलिमेंट्स 99.9% दे आर रिमूव्ड. ये जो आरओ मेम्ब्रेन है कार्बन से जिसमें पानी जाता है, इसके अंदर से जो भी आपका केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना जी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो सारे रिमूव हो जाते हैं. इसमें जितनी भी जो गंदगी है बारीक से बारीक वो यहाँ पर रुक जाती है. इन आरओ मेम्ब्रेन देयर आर टू आउटलेट्स एट द बॉटम. आरओ मेम्ब्रेन के अंदर दो आउटलेट रहते हैं नीचे की तरफ में, एक सेंटर में रहता है, एक साइड में रहता है. ओके, द सेंटर वन इज फॉर फिल्टर्ड वाटर, साइड वन इज फॉर वेस्ट वाटर. जो सेंटर वाला आउटलेट होता है मेम्ब्रेन का वो साफ पानी का होता है, जो साइड वाला आउटलेट होता है गंदे पानी का होता है. The side outlet that is the blue pipe goes to flow restrictor and it finally goes out. Okay. The जो waste पानी की pipe होती है blue pipe की, वो flow restrictor से होते हुए बाहर चली जाती है. The pipe which is in the center, it goes to further filter that is a mineral cartridge में जाती है.
मिनरल कार्टेज और पोस्ट कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड। जो पाइप बीच में से निकलती है मेम्ब्रेन के साफ पानी की, वो आपकी इस छोटी वाली फिल्टर में जाती है, जिसको कि हम मिनरल फिल्टर भी कहते हैं या पोस्ट कार्बन भी कह सकते हैं। मिनरल फिल्टर, पोस्ट कार्बन, वाइसा वर्सा यूज होता है, दोनों एक ही काम करते हैं और उसी तरह पानी का पीएच भी इंक्रीज करते हैं, मिनरल एडिशन भी करते हैं। ठीक है जी। आफ्टर द मिनरल कार्टेज वाटर मूव्स इनटू यूवी चैम्बर। मिनरल कार्टेज से यूवी चैम्बर में पानी चला जाता है। इन यूवी चैम्बर ऑल द बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ऑफ वायरस बैक्टीरिया दे आर किल्ड आउट। यूवी चैम्बर के अंदर यूवी रेस से, रेडिएशन से पानी के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल जीव जंतु जो होता है ना, उसको मार दिया जाता है, उसको खत्म हो जाता है। इन दिस मॉडल देर इज टीडीएस कंट्रोलर ऑल्सो। ये टीडीएस कंट्रोलर भी लगा हुआ है इस मॉडल के अंदर। टीडीएस कंट्रोलर में ये स्क्रू है, इसको अगर हम क्लॉक को एंड क्लॉक वाइज घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो TDS will get low. If we rotate it anti-clockwise, TDS will increase. Okay? अगर हम इसको टाइट करेंगे अंदर की तरफ में तो TDS घट जाएगा, इसको खोलेंगे तो TDS बढ़ जाएगा. Now, before starting the filter replacement, we will learn about John Guest-type push fitting. हम फिल्टर रिप्लेसमेंट स्टार्ट करने से पहले जॉन गेस्टाइट पुश फिटिंग के बारे में समझेंगे। ये जो एल्बोज है, इनको हमें फिल्टर से कैसे निकालना है और इनमें फिल्टर्स के अंदर वापस कैसे लगाना है। वी हैव टेकन वन सैंपल पाइप। हमने एक सैंपल पाइप ले लिया है और एक एल्बो ले लिया। दिस रिंग टाइप फिटिंग इज कॉल्ड जॉन गेस्टाइट पुश फिटिंग। ये जो रिंग टाइप फिटिंग है, इसको जॉन गेस्टाइट पुश फिटिंग कहते हैं। मैंने पाइप को होल्ड कर लिया टाइटली, उसके बाद मैं टाइटली इसको पुश कर देता हूँ। जब मैं इसको पुश करता हूँ तो इसमें कटक का आवाज आता है, मेरे को हल्का फुल्का महसूस होता है। आई विल टेक दिस एल्बो एंड प्रॉपरली पुश इट इनसाइड। व्हेन आई विल पुश इट, आई विल फील अ साउंड दैट इज कमिंग, दैट इज द पुशिंग साउंड। वंस इट इज प्रॉपरली पुश्ड, इट इज एयर टाइट। जब ये प्रॉपरली पुश हो जाएगा तो ये एयर टाइट है, निकलेगा नहीं। टू टेक इट आउट, इसको निकालने के लिए हमें रिंग को प्रेस करना है डाउनवर्ड और पाइप को पुल करना आउटवर्ड। रिंग को प्रेस करना है डाउनवर्ड, पाइप को पुल करना आउटवर्ड, ऐसे प्रॉपरली पुश्ड पाइप। ऐसे करा हमने, इट विल नॉट कम आउट। वी प्रेस द रिंग एंड वी टेक द पाइप आउट। This is a very important concept. This concept would be employed in changing all the filters in this model. Okay. Now, जो kit आप filter cart से खरीदेंगे, it will come beautifully packed like this. All the filters which would be, it would be contained in therein. It would also contain installation manual. जो आप kit खरीदेंगे filter cart से, वो बहुत ही अच्छी तरह इसमें पैक होके आएगी पैकेजिंग में। साथ में आपको इंस्टॉलेशन मैनुअल दी जाएगी, जिसको कि देख के पढ़ के आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं फिल्टर्स को। विद अ किट विच यू वुड परचेज फ्रॉम फिल्टर कार्ट, यू विल रिसीव इट इन द पैकिंग लाइक दिस। अलोंग विद द सेम यू वुड ऑल्सो फाइंड वन इंस्टॉलेशन मैनुअल इन विच यू कैन रीड द सेम एंड डू द इंस्टॉलेशन योरसेल्फ। जो किट आप खरीदेंगे फिल्टर कार्ट से, वो इस तरह की पैकिंग में आएगी और उसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन मैनुअल वगैरह दी जाएगी, जिसको कि आप इजीली पढ़ के खुद कर सकते हैं। आई एम ऑलरेडी हैविंग एन ओपन किट। मेरे पास ऑलरेडी ओपन किट पड़ी है, तो मैं वन बाय वन रिप्लेस करना शुरू करूँगा। वी विल रिप्लेस द फिल्टर वन बाय वन। फर्स्ट आई विल रिप्लेस सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर, the sediment filter which I would receive from filter cart, it would look like this. Okay. This sediment also contains heavy grade PP spun filter. जो sediment filter मेरे पास आएगा वो भी इस तरह का ही दिखेगा। ये sediment filter heavy grade PP spun contain करता है और सारा कोई भी मिट्टी का तत्व है, sand silt rust algae, उसको निकाल देता है। It removes all the sand silt rust algae particles etc.
before removing the earlier sediment, I will check the flow direction. The flow direction in before changing the sediment filter, we will note down the flow direction in the old sediment filter. Sediment filter को change करने से पहले हम पुराने वाले sediment filter में flow direction note कर लेंगे. Flow is from top to bottom. Top to bottom. ऊपर से नीचे की ओर है फ्लो का डायरेक्शन. तो जो हम नया सेडिमेंट भी लगाएंगे उसका भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होगा, टॉप टू बॉटम. ओके, नाउ वी विल रिमूव द अर्लियर सेडिमेंट फिल्टर. रिंग को प्रेस करा मैंने और पाइप को पुश पुल करा. आई प्रेस द रिंग एंड पुल्ड द पाइप आउट. बॉटम साइड में भी रिंग को प्रेस करा, रिंग को प्रेस करा, पाइप को पुल करा. प्रेस द रिंग, पुल द पाइप आउट. ये ओल्ड सेडिमेंट फिल्टर हमारा निकल गया है. ओके, मैंने इसको साइड में रख दिया. नया सेडिमेंट फिल्टर मैंने ले लिया. I have taken the new sediment filter. नया sediment filter ले लिया है. इसके अंदर ये elbow आया, इस type का elbow. इसको मैं pipe पे properly push कर लूँगा. कटक कब आ जाएगा? Properly push हो गया. उसके बाद flow का direction was top to bottom. Flow का direction top to bottom. I will properly push it and thereafter connect it here. The pushing should be proper from here to here. एंड हेयर टू हेयर पुशिंग यहां से भी प्रॉपर होनी चाहिए और यहां से भी प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है, ये पाइप यहां से निकल आया है. दिस पाइप हैज गॉट डिसलोकेटेड. बॉटम साइड ऑल्सो, बॉटम साइड में भी एल्बो प्रॉपरली पुश्ड. कटक का आवाज आ गया. वी विल फील द साउंड ऑफ कमिंग, साउंड कमिंग ऑफ कटक व्हेन यू प्रॉपरली इंसर्ट. यू विल फील इट बीइंग इंसर्टेड प्रॉपरली. ओके, देयर आफ्टर यू विल पुट इट ऑन द दिस फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर. व्हेन यू पुट इट ऑन द सेडिमेंट फिल्टर, वेरी लिटल स्पेस विल रिमेन. बहुत ही थोड़ी सी जगह बचेगी कि व्हेन यू पुट इट ऑन द सेडिमेंट फिल्टर, वेरी लिटल स्पेस. प्रॉपरली पुश इट. इफ यू डू नॉट प्रॉपरली पुश इट द लीकेज विल अकर. अगर हम ठीक से पुश नहीं करेंगे तो लीकेज हो जाएगा. ठीक है, कमिंग टू सेकंड फिल्टर, सेडिमेंट कार्बन फिल्टर. कार्बन फिल्टर, इन कार्बन फिल्टर द फ्लो डायरेक्शन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम कैन बी ब्लॉक. The new carbon filter which we will replace, that will we will also be fitting from top to bottom. Okay. Some things to be informed regarding carbon filter. This is aquadine make carbon filter. It contains coconut shell based activated carbon. इसके अंदर coconut shell based activated carbon होता है 1300 IV value का. That 1300 IV value activated carbon, it removes any kind of what you call chemical contamination of chlorine, chloramine, fluoride, etc. Okay, it is a very heavy filter. When ये जब पानी से भर जाएगा तो बहुत heavy हो जाएगा. ठीक है, the one of the precaution regarding carbon filter is that it gives out black water in the initial stages. Carbon filter के बारे में एक ये precaution specific है कि carbon filter के अंदर शुरुआती दौर में काला पानी निकलता है. If that black water would go to any other filter cartridge, it will clog it. अगर ये काला पानी किसी और filter में चला जाएगा तो उसको ये खराब कर देगा, उसको चौक कर देगा. It is that is the reason we have to clean the carbon filter. इसीलिए हमें कार्बन फिल्टर को पहले बाहर में साफ करना है. हाउ टू क्लीन इट? ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्योरीफायर देर इज अ वाइट पाइप दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टैप साइड एंड कमिंग टुवर्ड्स योर प्योरीफायर.
आपके प्योरीफायर के अंदर बाहर में एक नल या टैप से एक सफेद कलर का पाइप प्योरीफायर के अंदर आ रहा है एज एन इनपुट सप्लाई, यहाँ पर आता है। उस पाइप को आप निकाल लेंगे, उस यू विल अनप्लग दैट पाइप एंड आफ्टर अटैचिंग वन एल्बो यू विल डायरेक्टली पुट दैट पाइप इनटू द कार्बन। आप डायरेक्टली उसको कार्बन फिल्टर में लगा देंगे। यू विल स्विच ऑन द वाटर सप्लाई, आप वाटर सप्लाई को ऑन कर देंगे, कार्बन के अंदर पानी जाएगा, कार्बन से पानी ओपनली निकलता जाएगा। यू विल स्विच ऑन द वाटर सप्लाई, ऑल द वाटर गो इन टू द कार्बन, एग्जिट ओपनली फ्रॉम द कार्बन। प्लेस अ बकेट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे एक बकेट रख लीजिए, लेट द वाटर फ्लो इन टू दैट। फ्लोर पे एक बाल्टी रख लीजिए, उसके अंदर पानी गिरता जाएगा। दैट वे यू विल टेक आउट 10 to 15 liters ऑफ वाटर फ्रॉम द कार्बन। इस तरीके से आप कार्बन फिल्टर के अंदर से 10 से 15 लीटर पानी कार्बन से आप निकाल लेंगे। पानी निकालते वक्त आप कार्बन फिल्टर को बीट करेंगे, यू विल टैप नॉक और बीट द कार्बन फिल्टर वाइल पासिंग द वाटर। ऑल द ब्लैकनेस ऑफ द कार्बन वुड बी रिमूव, कार्बन की जितनी भी ब्लैकनेस है वो सारी रिमूव हो जाएगी। आफ्टर इट इज रिमूव 10-15 liters इज पॉस्ट, देन यू विल फिट द कार्बन इन साइड। कार्बन को साफ करने के बाद ही आप कार्बन को अंदर में लगाएंगे। दिस कार्बन इज ऑलरेडी क्लीन, आई हैड डन इट बिफोर प्रायर टू मेकिंग द वीडियो, सो आई विल स्टेट अवे फिट। ये कार्बन पहले से ही साफ है, मैं इसको डायरेक्टली फिट करूंगा, ठीक है जी। आई विल टेक आउट द अर्लियर कैमी ब्लॉक कार्ट्रिज, कैमी ब्लॉक। इन कैमी ब्लॉक यहाँ पर मेरी उंगली जाएगी नहीं, माई फिंगर विल नॉट गो हेयर ऑन हाउ टू रिमूव, सो आई विल यूज अ स्क्रू ड्राइवर, आई विल यूज अ स्क्रू ड्राइवर टू प्रेस द रिंग एंड पुल इट अपवर्ड्स लाइक दिस। द फ्लो इन कैमी ब्लॉक वॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सेम वे आई विल प्रेस द रिंग, आई विल प्रेस द रिंग एंड पुश इट अपवर्ड्स। कार्बन हैज बीन रिमूव्ड, नाउ वी विल फिक्स द न्यू कार्बन फिल्टर। फ्लो इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। आई एम यूजिंग द सेम ओल्ड एल्बो सिंस द एल्बो इज गुड, ओके। मैं पुरानी ही एल्बो को यूज कर रहा हूं क्योंकि एल्बो अच्छी है पहले से। आई विल प्रॉपरली पुश, मैं प्रॉपरली पुश कर दूंगा इसको, वेरी लिटल स्पेस इवन, बहुत ही थोड़ी सी जगह बच जाती है जब पुश करने के बाद। सेम वे बॉटम साइड से भी हम पुश कर देंगे, बॉटम साइड ऑल्सो वी विल पुश। सेडिमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड, कार्बन हैज बीन रिप्लेस्ड, टू फिल्टर, दो फिल्टर रिप्लेस हो चुके, सेडिमेंट और कार्बन। कमिंग टू आर ओ मेम्ब्रेन, इन आर ओ मेम्ब्रेन वन आउटलेट ऑन टॉप, टू आउटलेट एट बॉटम। इन आर ओ मेम्ब्रेन के अंदर एक आउटलेट टॉप में, दो आउटलेट बॉटम में। द न्यू आर ओ मेम्ब्रेन विच आई वुड रिसीव, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। जो नई मेम्ब्रेन मैं लूंगा वो इस तरह की दिखेगी। इनलेट, टू आउटलेट, सेंटर आउटलेट फॉर फिल्टर्ड वाटर, साइड आउटलेट फॉर वेस्ट वाटर। सेम वे सेंटर आउटलेट फॉर फिल्टर्ड वाटर, साइड आउटलेट फॉर वेस्ट वाटर। जो आर ओ मेम्ब्रेन आपके पास आएगी उसमें भी ऐसा ही है, सेंटर आउटलेट फिल्टर्ड वाटर का है, साइड आउटलेट वेस्ट वाटर का, टॉप में इनलेट है। द मेम्ब्रेन एक्वाडाइन मेम्ब्रेन, दिस इज अ वेट मेम्ब्रेन, वेट ये एक गीली मेम्ब्रेन है। इन वेट मेम्ब्रेन द ब्राइन सोल्यूशन इज पोर्ड इन साइड द मेम्ब्रेन so that no biological contamination of virus bacteria can germinate inside the membrane sheet। एक गीली मेम्ब्रेन के अंदर वेट मेम्ब्रेन में केमिकल डाला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन, लिक्विड ब्राइन सॉल्यूशन, ताकि कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपका जर्मिनेट ना हो। कोई भी मेम्ब्रेन की फर्टाइल शीट के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन जर्मिनेट ना हो, जिससे कि लाइफ मेम्ब्रेन की बढ़ जाए, ठीक है जी। ये वेट मेम्ब्रेन होती है। नाउ आई विल रिमूव द अर्लियर आर ओ मेम्ब्रेन,
first of all. Press the ring. Press the ring and push it outwards. Push it outwards. It's as simple as that. Press the ring and push it outwards. Press the ring and take it outwards. Old RO membrane. New RO membrane. Flow direction top to bottom. अब हम आरओ मेम्ब्रेन को रिप्लेस करेंगे फ्लो टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम सबसे पहले इनलेट इनलेट का पाइप लगा लेंगे. इनलेट प्रॉपरली पुश करें, वेरी लिटल स्पेस रिमेंस. पुश इट प्रॉपरली, बहुत ही कम जगह बचे. वाइट पाइप वुड फिट इन सेंटर आउटलेट. सेंटर वाले आउटलेट में पुश इट प्रॉपरली, वेरी लिटल स्पेस रिमेंस. ब्लू पाइप वेस्ट वाटर साइड आउटलेट पुश प्रॉपरली, वेरी लिटल स्पेस रिमेंस. Like this. RO membrane भी रिप्लेस हो गया है. साइड आउटलेट वेस्ट वाटर, सेंटर आउटलेट फिल्टर्ड वाटर. ब्लू पाइप वेस्ट आउटलेट. ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर, दिस इज फ्लो रिस्ट्रिक्टर. विदाउट दिस द मेम्ब्रेन विल नॉट वर्क. इसके बिना मेम्ब्रेन काम नहीं करेगी. वेस्ट वाटर ब्लू पाइप से जो वाटर निकलता है वो हमेशा अच्छी क्वांटिटी में अच्छा निकलना चाहिए. जो वेस्ट वाटर थ्रू ब्लू पाइप शुड ऑलवेज कम इन गुड क्वांटिटी. समटाइम्स इट हैपन्स इज वेस्ट वाटर थ्रू ब्लू पाइप डज नॉट कम इन गुड क्वांटिटी. कभी कभी ऐसा होता है कि वेस्ट वाटर ब्लू पाइप से अच्छी क्वांटिटी में नहीं निकलता, कम क्वांटिटी में निकलता है. इफ वेस्ट वाटर डज नॉट कम इन प्रॉपर क्वांटिटी विल रिप्लेस फ्लो रिस्ट्रिक्टर ऑल्सो. फ्लो रिस्ट्रिक्टर को भी हम रिप्लेस कर लेंगे अगर वेस्ट वाटर हमारा कम आता है तो. अब फ्लो रिस्ट्रिक्टर का डायरेक्शन क्या है? राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट. न्यू फ्लो रिस्ट्रिक्टर राइट टू लेफ्ट. ओके, वी विल टेक द फ्लो रिस्ट्रिक्टर आउट. पुश द रिंग, पुल इट आउट. पुश द रिंग, टेक पाइप आउट. Install the new one. Right in, out. Okay. This is to be replaced in case wastewater does not come properly. Mineral cartridge. Next cartridge is mineral cartridge. Mineral cartridge adds essential minerals in the water. मिनरल कार्ट्रिज एसेंशियल मिनरल्स को ऐड करता है. फ्लो डायरेक्शन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की ओर. फ्लो का डायरेक्शन आगे से पीछे की ओर. इनलेट पाइप, इनलेट पाइप में निकाल लूंगा. प्रेस द रिंग, पुश इट, पुल इट आउटवर्ड्स लाइक दिस. सेम वे press the ring, push it up. This mineral cartridge contains essential mineral. ये essential minerals contain करती है ताकि water में add हो जाए. New mineral cartridge would be something like this. This would also contain essential mineral for एडिंग एसेंशियल मिनरल टू द वाटर. मिनरल कार्ट्रिज पानी के अंदर एसेंशियल मिनरल्स को ऐड कर देती है जो कि आरओ मेम्ब्रेन निकाल देती है. फर्स्ट ऑफ ऑल
Take an elbow, push it through. Now push it here. सबसे पहले एक एल्बो ले, पाइप को प्रॉपरली पुश कर ले, उसके बाद इसको मिनरल कार्टेज की एल्बो में लगा दीजिए. मिनरल कार्टेज फ्लो फ्रंट टू बैक, यहां से पीछे की ओर, यहां से पीछे की ओर. Take another elbow, push it properly, plug it. Okay. उसके बाद इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, अंदर में रख दीजिए. थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको इंस्टॉल करना पाइपिंग की वजह से. So we have changed sediment filter, carbon filter, RO membrane, mineral cartridge. Coming to last part, UV lamp. हमने sediment change कर लिया, carbon change कर लिया, membrane change कर ली, mineral cartridge change कर ली. Coming to अब UV lamp, UV lamp की ओर आ रहे हैं हम. We will take the UV lamp out. हम UV lamp को निकाल लेंगे. UV lamp को निकालने के लिए टेक अ स्क्रू ड्राइवर. यूवी लैंप को निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर का यूज कीजिए. टॉप साइड में देर इज अ प्लग, ऑन द टॉप साइड देर इज बीन प्लग, यू विल टेक द प्लग आउट एंड अनस्क्रू इट. ओके, अनस्क्रू कर लीजिए उसको. रिमूव द कैप, इस कैप को रिमूव कर लीजिए. ऐसे ही फ्रॉम बॉटम साइड ऑल्सो अनस्क्रू इट, बॉटम साइड से भी इसको अनस्क्रू कर लीजिए. बॉटम साइड से भी इसको अनस्क्रू कर लीजिए, यूवी लैंप आपका निकल जाएगा. फिलिप्स, दिस इज अ ओरिजिनल फिलिप्स लैंप, फिलिप्स का लैंप है ये ओरिजिनल आपका, 6 inches वन. इन इंडिया, भारत के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ 6 स्मॉल लैंप अवेलेबल, वन इज फिलिप्स, वन इज ओसराम. ओसराम इफ इंडिया के अंदर दो टाइप के लैंप मिलते हैं, एक फिलिप्स का मिलता है, एक ओसराम का मिलता है. अगर लैंप का फिलामेंट, ये फिलामेंट टूट जाए, इफ द फिलामेंट इज बर्नड एंड ब्रोकन देन द लैंप नीड्स रिप्लेसमेंट. अगर लैंप का फिलामेंट या वो ब्रेक हो जाए तो उसको रिप्लेस करने का जरूरत होता है. अगर लैंप का फिलामेंट ब्रेक ना हो तो उसको रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, सिंस फिलामेंट इज गुड, ये फिलामेंट इसका गुड है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे. आई विल अगेन प्लग इट बैक. प्लग करने के लिए आई विल पुट इट हियर. एंड प्लेस द होल्डर, होल्डर को लगा दूंगा वापस में. होल्डर इज दिस टाइप, पिन टाइप, पिन टाइप, पिन फंस जाता है इसमें लाइक दिस. ओके,
इसको स्क्रू बैक कर दीजिए, स्क्रू इट बैक प्रॉपरली। अगर आपको यूवी लैंप को स्क्रू करने में कई बार तकलीफ हो तो अनप्लग द पाइप। इफ यू फील डिसकंफर्ट इन स्क्रूइंग बैक द यूवी लैंप, देन यूवी लैंप प्लग्स एंड अनप्लग द पाइप, देयर आफ्टर स्क्रू इट एंड देयर आफ्टर पुट द पाइप बैक। सो वी हैव लर्न्ड ऑन हाउ टू रिप्लेस सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, आर ओ मेम्ब्रेन, मिनरल कार्ट्रिज, यूवी लैंप। ओके, द फिल्टर चेंजिंग ऑफ योर प्योरीफायर आर कंप्लीट। आपके प्योरीफायर के फिल्टर चेंज कंप्लीट हो गए हैं। फाइनल स्टेप्स, नाउ कमिंग टू फाइनल स्टेप्स। इफ यू फील दैट एनी ऑफ द फिल्टर इज लूज इन द क्लैम्प, अगर आपको लगता है कि कोई फिल्टर क्लैम्प में लूज है, टेक अ न्यूज़पेपर पैकिंग मटेरियल और कार्डबोर्ड एंड प्लेस इट इन द क्लैम्प सो एज टू टाइटन इट। अगर आपको लगता है कि कोई फिल्टर लूज है क्लैम्प से या स्लिप कर रहा है तो टेक अ पैकिंग मटेरियल एंड पुट इट इन टू द क्लैम्प, इट विल गेट टाइट। ओके, क्योंकि जैसे जैसे क्लैम्प ये पुराने होते जाते हैं ये लूज होते जाते हैं, एज द clamps get old they get loose, so you can use a packing material to tighten it. Now you will test run the purifier. अब आप purifier को test run करेंगे। You will connect the water supply, inlet pipe, waste pipe. You will connect the electrical supply. Okay, अब आप purifier को test run करेंगे, purifier का inlet वाला pipe लगा देंगे, waste pipe लगा देंगे, बिजली का पाइप लगा देंगे और प्योरीफायर को ऑन कर देंगे। जब व्हेन यू स्विच ऑन द प्योरीफायर विल स्टार्ट रनिंग। व्हेन आप जब प्योरीफायर को ऑन करेंगे स्टार्ट हो जाएगा प्योरीफायर। यू विल चेक फॉर लीकेजेस। लीकेजेस कैन हैपन फ्रॉम पाइप टू एल्बो, पाइप टू एल्बो और एल्बो टू फिल्टर, एल्बो टू फिल्टर। लीकेजेस कैन हैपन फ्रॉम पाइप टू एल्बो और एल्बो टू फिल्टर। इट कैन ऑल्सो हैपन फॉर फिल्टर सील जॉइंट, फिल्टर सील जॉइंट लीकेज। पाइप एल्बो से हो सकते हैं, एल्बो फिल्टर से हो सकते हैं या सील जॉइंट से हो सकते हैं। इफ लीकेज इज फ्रॉम पाइप टू एल्बो, आप स्विच ऑफ करेंगे सिस्टम को, यू विल टेक द पाइप आउट एंड प्लग इट प्रॉपरली वेयर द लीकेज इज हैपनिंग। अगर जो लीकेज है आपका पाइप और एल्बो के बीच में, तो सिस्टम को आप बंद करेंगे, पाइप को निकालेंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे और पाइप को प्रॉपरली पुश कर देंगे, लीकेज खत्म हो जाएगा। अगर लीकेज एल्बो टू फिल्टर है, आप एल्बो को निकालेंगे, एल्बो को निकालेंगे, प्योरीफायर को स्विच ऑफ करके प्रॉपरली पुश करेंगे, लीकेज विल गो। If leakage is from seal joint, then you will contact us, contact the filter cart, we will replace that cartridge, that is a manufacturing defect. Okay, so in test run of the purifier, you will check whether there is any leakages from anywhere. If there is any leakages from anywhere, you will plug that leakage, you will properly plug that leakage. After ensuring that no leakage is there, you will close back the cover. आप cover को close back कर देंगे। सारा लीकेजेस चेक करने के बाद अगर कहीं पर भी कोई लीकेज नहीं मिलता है तो इसके ढक्कन को बंद कर देंगे वापस। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हेल्प यू आउट ऑन हाउ टू सर्विस योर फिल्टर्स योरसेल्फ। सो यू लर्न टुडे ऑन हाउ टू सर्विस योर प्योरीफायर योरसेल्फ, हाउ टू चेंज द कार्ट्रिजेस विदाउट एनी टेक्नीशियन हेल्प, विदाउट एनी अदर। I hope you liked our video. Our motto
is to empower you on how to service your purifier yourself without any technician help. हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. हमारा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य आपसे यही है कि आप प्योरीफायर को सर्विस करना सीखें खुद ब खुद बिना किसी टेक्नीशियन की मदद से, और आप अपने प्योरीफायर को सफल तरीके से सर्विस कर सकें. जैसे कि पहले बताया गया था, फिल्टर सेट, अगर आपको इसका कंपैटिबल फिल्टर सेट चाहिए हो तो यू हैव टू गो टू filtercard.com. इन देयर यू हैव टू सर्च डिलाइट एक्वाश्योर डिलाइट एंड यू विल फाइंड द रेलेवेंट किट. आपको जैसे कि पहले बताया था, filtercard.com पे चले जाइएगा, एक्वाश्योर डिलाइट के नाम का प्योरीफायर सर्च कीजिएगा, उसमें आपको रेलेवेंट इसकी सेट मिल जाएगी. ठीक है, देर आर सम अदर थिंग्स विच आई ऑल्सो वॉन्ट टू से, कुछ अदर और बातें भी आपको बताई जानी चाहिए. ये दिस प्योरीफायर इज एन आर ओ प्योरीफायर है. इन आर ओ प्योरीफायर देर इज अ लॉट ऑफ वाटर वेस्टेज. आर ओ प्योरीफायर के अंदर बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट चला जाता है, तो वेस्ट वाटर ना हो इसीलिए आप जो भी ब्लू पाइप से जो पानी निकलता है ना, यू स्टोर इट इन अ बकेट और समथिंग एंड यू यूज इट फॉर हाउस होल्ड चोर्स एटसेट्रा. जो आपका वेस्ट वाटर निकलता है ब्लू पाइप से, आप उसको वेस्ट मत जाने दीजिए. आप उसको बाल्टी में इकट्ठा कीजिए और साथ में घर की सफाई या और कोई गार्डनिंग या अदर पर्पस के लिए उसको यूज़ करिए. उसको नाली में मत भाइए. ये इससे जो है, क्योंकि आरओ का जो वाटर है उसमें वेस्टेज होती है और हमारे देश में पानी की वैसे ही कमी है, तो उससे पानी जो है वो बचेगा, पानी का सही यूटिलाइजेशन होगा. उसको नाली में मत भाइए. वो पीने के काम नहीं आ सकता, लेकिन आपके और पर्पस के लिए काम आ सकता है वो. वंस अगेन आई विल जस्ट लाइक टू रिपीट द पैकेज कंटेंट. वन सेडिमेंट फिल्टर, वन कार्बन फिल्टर, वन आरओ मेम्ब्रेन वेट टाइप, वन मिनरल कार्ट्रिज, वन यूवी लैम्प, ओसराम मेक और फिलिप्स मेक, एल्बोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एल्बोज, वन फ्लोर रिस्ट्रिक्टर, 2 मीटर पाइप एंड इंस्टॉलेशन मैनुअल. पैकेज कंटेंट के अंदर एक आपका सेडिमेंट फिल्टर, एक कार्बन फिल्टर, एक आरओ मेम्ब्रेन, मिनरल फिल्टर, यूवी लैंप, ओसराम या फिलिप्स मेक का, फ्लोर रिस्ट्रिक्टर, 2 मीटर पाइप और एक इंस्टॉलेशन मैनुअल आता है आपकी सहायता के लिए. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर पे 0972875877 पे. अगर आपका इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट अस ऑन 0972875877. वी आर अवेलेबल फ्रॉम 8 AM टू 7 PM. हमारी उपलब्धता सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रहती है. आप हमें ईमेल के द्वारा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है help@aquadyne.in. यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन ईमेल help@aquadyne.in. We usually respond between 24 to 48 hours. I hope you loved our video, okay, and you are successful in servicing your purifier yourself. Best of luck.